स्टेशन में एलोरा गेस्ट हाउस है, वहां पे जो है 6 आरोपियों को ताबे में लिया है एटीएस पथक जुहू और एटीसी कस्तूरबा पुलिस स्टेशन, और डिटेक्शन ऑफिसर का जो टीम है कस्तूरबा पुलिस स्टेशन का, इन्होंने ये कार्रवाई की है। एटीएस पथक जुहू, इनको इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ पे 6 आरोपी जो है ये गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं 2 दिन से और वो संशयित है। इसके बारे में जब इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया, इसके ऊपर वर्कआउट किया सीनियर पीआई कस्तूरबा और उनकी टीम, और एटीएस जुहू यूनिट जो है उन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट करके वहाँ पे ट्रैप लगाया और 6 आरोपियों को ताबे में लिया है। इसमें 3 वेपन, 29 कारतूस, 2 चॉपर और जो बाकी साहित्य है वो इसमें मिला है। आरोपी जो है ये रिकॉर्ड के क्रिमिनल्स है, यूपी और दिल्ली के हैं। इन्होंने 302 चेन स्नैचिंग ऐसे ऑफेंसेस किए हुए हैं। ये जो आरोपी है इनका जो रिकॉर्ड है वो पूरा दिल्ली और यूपी से ताल्लुकात रखता है। किसी गैंग के साथ इनका कोई संबंध है क्या? ये जो पार्ट है ये इन्वेस्टिगेशन का है, हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये टारगेट क्या था इनका, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, बड़े पैमाने पर हथियार कारतूस वगैरह लेकर आए थे। ये जो लोग हैं ये 2 दिन से इस एरिया में है, ये मुंबई और मुंबई के आजूबाजू के जो शहर है यहाँ पे इन्होंने रेकी किया है। तो आरोपी है, इन्होंने मुंबई और मुंबई के आजूबाजू का जो एरिया है वहाँ पे इन्होंने रेकी किया है। इनका पूरा प्लान डकैती का था, इसीलिए इनके साथ 3 वेपन और जो भी कारतूस वगैरह है वो सब इनके पास है। ये जो दो दिन से गैंग आपने यहाँ पे बताई रह रहे थे बेसिकली पुलिस दिल्ली के। बेस्ड आरोपी है, दिल्ली से नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो बहुत सारी गैंग एक्टिव है, बिश्नोई गैंग, भाटी गैंग, बवाना गैंग, नीरज गैंग। क्या ये लोग किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि जो लोग हिस्ट्री सीटर है, तिहाड़ जेल में बंद थे, 302 का केस था, वेपन्स भी मिला है, क्या किसी गैंग से ताल्लुक अभी तक निकला है, क्या इस लाइन पर भी इन्वेस्टिगेशन होगा? अभी तक तो नहीं निकला है कोई ताल्लुकात। इस लाइन जो आप बता रहे हो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा कि ये किसी गैंग के साथ ताल्लुकात रखते हैं या नहीं। दिल्ली पुलिस से भी आप लोग इनकी बाकी हम डिटेल्स लोग को उनके सुना है, साथ मतलब केस उनके वगैरह? साथ हमने डिटेल शेयर कर रहे हैं, और उनके पास से अगर कोई डिटेल मिलता है तो उसके ऊपर वर्कआउट होगा इसमें। और अगर कोई आरोपी है या कोई लीडर है उसकी भी छानबीन हो रही है। थैंक यू। क्या इससे सर मोबाइल क्लोज विजुअल है, क्लोज विजुअल है पीछे मनोज माजा। नहीं नहीं बराबर मंडी है क्या? नहीं, एक फॉरेन मंडी है। एक फॉरेन मंडी, वो जो गोल्डन लगा वो फॉरेन मंडी छोटा है ना, कलाई नीचे वाला ना, नीचे वाला कंट्री मेड है बाबा। थोड़े क्लोज शॉट लेना उस तरह के, नली लगा के वाला स्टार वाला इंडियन वो इंडियन वो छोटा वाला कौन? अरे गोल्डी भाई बोलता है। चॉपर कूटे? हाँ मैडम चॉपर ना। हाँ मैडम चॉपर अरे भाई आरोपी जो वीडियो पण घ्यायचे चला बोलो आरोपी नी तो बोलवा ना मॅडम इथे चांगले भेटत आता तुम्ही अच्छा बरोबर जाऊ काय करी आठवा लालबागला सोडतो इथे।